hello everyone earlier we have discussed use of ing with verbs of lesson number 11 now come to the book exercise so everybody open your grammar track book lesson number 11 verb plus ing page number 62 exercise number a match the correct doing words with the given पिक्चर्स इट मीनस सम पिक्चर्स आर गिवन टू यू एंड यू हैव टू मैच दीज पिक्चर विद द करेक्ट डूइंग वर्ड ओके तो आपको यहाँ पे पिक्चर्स गिवन है देर आर सेवन पिक्चर्स और सेवन ही डूइंग वर्ड्स एक्शन वर्ड्स जो हैं आपको दिए गए हैं तो आपने अकॉर्डिंग टू द पिक्चर उस डूइंग वर्ड के साथ मैच करना है फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पिक्चर में एक बॉय बुक रीड कर रहा है इट मीन्स कि वो कौन सी एक्टिविटी कर रहा है रीडिंग तो फर्स्ट नंबर को मैच किसके साथ करेंगे रीडिंग के साथ ओके सो डैट्स वाई आई हैव राइट हेयर नंबर वन इन फ्रंट ऑफ द रीडिंग तो मैंने रीडिंग के सामने नंबर वन लिखा है क्योंकि नंबर वन पिक्चर कौन सी है बॉय बुक रीडिंग कर रहा है तो रीडिंग सेकंड पिक्चर राइडिंग थर्ड वॉकिंग फोर्थ प्रेइंग फाइव डाइविंग सिक्स स्लीपिंग सेवन वॉशिंग क्लियर तो इस तरह से हमने इनको मैच करना है कोई भी स्टूडेंट्स लाइंस नहीं लगाएगा एवरीबॉडी मेंशन द नंबर्स इन फ्रंट ऑफ द डूइंग वर्ड्स ओके नाउ कम टू द पेज नंबर थ्री एक्सरसाइज नंबर बी ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस यूज द हेल्प बॉक्स वन हैज बीन डन फॉर यू डेट इज द हेल्प बॉक्स ठीक है फोर सेंटेंसीज आर गिवन टू यू देर आर फोर पिक्चर्स एंड एवरी पिक्चर है फोर सेंटेंसिस तो हर एक पिक्चर के फोर फोर सेंटेंसेज उन्होंने दिए हैं साथ में फोर ऑप्शंस भी दिए हैं एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू देंटेंस ठीक है फर्स्ट ऑप्शन क्या हैं डिगिंग होल्डिंग प्लांटिंग हेल्पिंग तो मैंने जब आपको रूल्स क्लियर करवाए थे तो मैंने आपको बताया था कि डिगिंग में हम लोग आई एन जी लगाना बताया था कैसे लगाएंगे होल्डिंग में बताया था सारे रूल्स आपको क्या थे क्लियर करवाए थे तो आपने इन में से इन वर्ब्स को वर्ब्स जो आई एन जी के साथ उन्होंने यहाँ पर लगाई हैं इनको प्रॉपरली ब्लैंक्स में फिल करना है रितु इज़ हेल्पिंग हर फादर ओके okay. मीन्स कि जो ऋतु है ऋतु अपने फादर की हेल्प कर रही है शी इज होल्डिंग अ सेपलिंग देखिए बेटा पिक्चर में भी उसने एक प्लांट को पकड़ा हुआ है उसको हम लोग सेपलिंग कहते हैं तो उसने होल्ड करके रखा हुआ है उसको सो डेट्स वाई राइट हियर होल्डिंग हर फादर अब उसके फादर देखो खोद रहे हैं ना कुछ डिगिंग होता है खोदना हर फादर पिट दे तो इस तरह से हमने इन ऑप्शन को प्रॉपरली इन ब्लैंक्स में फिल किया है पिक्चर नंबर टू ऑप्शन है फ्लाइंग प्लेइंग एंड शाइनिंग ओके तो आपने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस प्रॉपरली फिल करना है द गर्ल्स आर देर आर टू गर्ल्स द गर्ल्स आर डैश विथ ईच अदर अब दोनों जो लड़कियाँ हैं वो एक, एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं फ्लाइंग कर रही हैं नो शाइनिंग कर रही हैं नो no. क्या कर रही हैं प्लेइंग द गर्ल्स आर प्लेइंग विद ईच अदर ओके नेक्स्ट देखिए पिक्चर में बर्ड्स उड़ रहे हैं ठीक है मीन्स फ्लाइंग द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई अब पिक्चर में देखिए सन शाइन कौन कर रहा है सन कर रहा है बर्ड्स तो नहीं कर रहे तो द सन इज शाइनिंग इन द स्काई ठीक है तो इस तरह से आपने इनको फिल करना है सो एवरीबडी मार्कअप पिक्चर नंबर थ्री

गिवन इन द ब्रैकेट तो ब्रैकेट में डूइंग वर्ड्स क्या है हमें गिवन है टू कम्प्लीट देंटेंसेज रिमेम्बर टू एड आई एन जी टू द डूइंग वर्ड्स जो डूइंग वर्ड्स हमें ब्रैकेट में दिए गए हैं लाइक प्ले स्टैंड तो आपने इनके साथ आई एन जी लगाना है ओके वन हैज बीन डन फॉर यू उन्होंने क्या कहा है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट कि आपने सेंटेंस में सेंटेंस के अकॉर्डिंग इज एम और आर का यूज करना है और जो ब्रैकेट में डूइंग वर्ड दिया गया है उसके साथ आई एन जी लगा कर सेंटेंस को प्रॉपरली कंप्लीट करना है ठीक है दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड वन सेंटेंस लाइक जिया डैश प्ले द गिटार जिया इज अ सिंगुलर सो डेट्स वाई वी यूज हेर इज जिया इज प्ले प्ले के साथ हमने आई एन जी लगाया तो क्या बन गया प्लेइंग प्लेइंग द गिटार ओके सेकेंड चिल्ड्रन द चिल्ड्रन अब चिल्ड्रन मीन्स एक बच्चे की बात नहीं एक से ज्यादा की बात हो रही है तो हमने क्या यूज किया आर द चिल्ड्रन आर स्टैंड के साथ हमने आई एन जी लगाया तो क्या बन गया स्टैंडिंग दिल्ड्रन आर स्टैंडिंग इन अ रो नेक्स्ट आई आई के साथ हम लोग क्या लगाएंगे कौन सा हेल्पिंग वर्ब एम आई एम राइट राइट के साथ हमने क्या लगाया आई एन जी मैंने रूल्स में बताया था वर्ब के एंड में किसी भी डूइंग वर्ड के एंड में अगर ई e आ रहा है तो ई e को स्किप करके वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे आई एन जी राइटिंग अ लेटर ओके सो ये थी आपके एक्सरसाइज नंबर सी तो नेक्स्ट जो इसके सेंटेंसेस हैं सेंटेंस नंबर फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट दैट इज़ योर होमवर्क एंड यू हैव टू कंप्लीट देम एट योर होम थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल